हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपके हाजिर हो चुके हैं अपने यूट्यूबर बट गेमिंग। तो जी हाँ गाइस, बट गेमिंग लाइव एक और वीडियो के अंदर आ चुके हैं, एक और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ चुके हैं आपके लिए, जो कि है पबजी मोबाइल की सेटिंग, जो कि है 90 FPS HDR के ऊपर। पहले मैंने आपको बताई थी, मेरी वीडियो आपने देखी भी होगी, 120 FPS के ऊपर जो है ना मैंने आपको सेटिंग बताई थी। उसके अंदर जो है ना दो चार आपने सेटिंग करनी थी और आप 120 FPS जो है ना इनेबल कर लेते। लेकिन आज की जो वीडियो होने जा रही है वो होने जा रही है खास तौर पर जो HDR के ऊपर आप 90 FPS चलाओगे। मतलब स्मूथ के ऊपर तो 90 FPS जो ना वैसे ही आ चुकी है, लेकिन HDR के ऊपर 90 FPS आपने कैसे करना है, कोई बड़ा काम नहीं, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी सा स्टेप है, दो स्टेप है मैक्सिमम। आप वो याद कर लो, मेरी वीडियो सेव कर लो, जैसे आपने करना है वो कर लो, मेरी वीडियो देख के कर लेना सेटिंग, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले तो मैं आपको दिखाता हूं अपनी सेटिंग, ठीक है। मैं आपको अपनी सेटिंग दिखाता हूं, गेम के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और हमारी यहां पे गेम की सेटिंग जो है ना, यहां से अगर हम जाएं तो मैंने FPS अभी अपने अनेबल किए हुए हैं। कितने मेरे FPS आ रहे हैं, 88, 89, ठीक है। यहां से आप जाओगे मेन्यू में, जाओगे आप एमुलेटर की सेटिंग में जाओगे और यहां पर आपके सेटिंग आ गई है। इंजन की सेटिंग मेरी देख ले आप, ओपन जीएल प्लस के ऊपर मैं चला रहा हूं। पहली चार ऑप्शन जो है ना उनको मैंने किया हुआ है टिक। जो फिफ्थ ऑप्शन है अनेबल वर्टिकल सिंक, इसको आपने करना डिसेबल, अनेबल नहीं रखना, इसको डिसेबल करना। ADB डीबगिंग और रूट अथॉरिटी को आपने जो है ना टिक कर देना। उसके बाद नीचे एंटी अलियासिंग को अल्ट्रा कर लेना। ये सेटिंग है उन लोगों के लिए जिनका सिस्टम अच्छा है, जिनका GPU वगैरह जो है ना काफी अच्छा, बेस्ट जो है ना, मतलब के GPU लेटेस्ट वगैरह उन्होंने लगाया हुआ है उनके लिए है। लो क्वालिटी के ऊपर आप अपने सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, लेकिन HDR के ऊपर मैं तो यही कहूंगा कि लो क्वालिटी के ऊपर जो है ना, मतलब अगर आपका सिस्टम नॉर्मल है, ठीक है, कम स्पेसिफिकेशन वाला सिस्टम है, उसके ऊपर कोशिश करना ये वाली सेटिंग मत करना, वरना आपको बट भाई को जो है ना कल को गाली दोगे कि भाई क्या सेटिंग करवा दी हमारी गेम ही जो है ना इतनी अटक रही है, FPS ही नहीं आ रहे, 90 FPS छोड़ो मारे तो 90 नहीं आ रहे, तो 19 भी कैसे आएंगे जब आपके जो है ना सिस्टम की स्पेसिफिकेशन ऐसी नहीं होंगी। तो सेटिंग में आपको बता रहा था एंटी अलियासिंग आपने रखना है अल्ट्रा पे, मेमोरी आपने रखनी है मैक्सिमम पे जो 8192 है, प्रोसेसर पे आपने चले जाना, प्रोसेसर आपका 8 होना चाहिए। उसके बाद स्क्रीन DPI आपकी पसंद है, आपकी मर्जी है कि आप 120 रखना चाहते हो या 480 रखना चाहते हो। इससे जब आप गेम को ऑन करते हो, जो गेम की लोडिंग स्क्रीन है ना, वहां पर जो ग्राफिक्स होते हैं ना, इसकी चेंजिंग वहां पर होती है, उसके अलावा कोई खास जो है ना इसका मकसद नहीं है। 480 कर लो, मैंने तो 480 किया हुआ है क्योंकि मेरा सिस्टम जो है ना वो इतना है। बाकी उसके अलावा यहां पर आपकी जो है ना वही स्पीकर की और जो है ना माइक की सेटिंग हो जाती है। नीचे डायरेक्ट साउंड रखा हुआ मैंने, मॉडल मेरा नॉर्मल है Asus ROG 2 गेम, ये पबजी के अंदर आपने यहाँ पर जो है ना FS2 के और यहाँ पर आपने करनी है HD, ठीक है। ये मेरी सेटिंग आप याद रख लो, सेव कर लो वीडियो को, जो करना है आप कर लो, लेकिन जो है ना आपकी सेटिंग ये होनी चाहिए अगर आपके पास सिस्टम अच्छा वाला है अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ, पहली चीज होगी। दूसरी चीज अब आपने क्या करनी है, ठीक है, ये मैं सेटिंग वगैरह यहाँ से बंद कर दी है। अभी ये हम गेम के अंदर हैं, आप देख रहे हो मेरे 88 और 87 इस तरह जो है ना मेरे FPS आ रहे हैं, ये अभी मैंने किया हुआ है HDR के ऊपर। अगर आपको होगा कि भाई यहाँ पर से जो है ना मैं सेटिंग दिखाऊंगा आपको गेम के अंदर, तो भाई गेम के अंदर मेरी सेटिंग देख लें। कॉम्बैट जो इन गेम की सेटिंग होती है, कॉम्बैट की भी मेरी HDR एक्सट्रीम, लॉबी की भी मेरी HDR एक्सट्रीम, ठीक है। और ये आपके सामने FPS 88, 87 इस तरह मेरे FPS आ रहे हैं। अब इस सेटिंग को करना कैसे, सबसे पहले तो मैं सेटिंग को छेड़ देता हूं ताकि आपकी सेटिंग जो है ना वो हिल जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने इसको यहां से, अगर आपने एक बार ये सेटिंग कर ली ना HDR वाली, तो ये मेरी बात जो है ना याद रखिएगा कि दोबारा आपने इस सेटिंग की तरफ नहीं आना, मतलब कि ग्राफिक्स के आपने ऑप्शन को अपनी गेम में से भूल जाना। अगर आपने इस गेम के अंदर आके ग्राफिक्स के अंदर आपने छेड़ दिया, मिसाल के तौर पर ये लॉबी को आपने सिलेक्ट कर लिया जी स्मूथ के ऊपर, इसको 90 FPS पे अप्लाई कर दिया, यहाँ कॉम्बैट को आपने 90 FPS पे अप्लाई कर दिया, तो आपके FPS कम हो जाएंगे। फिर मत कहना कि बट भाई हमारे तो FPS जो है ना वो ऐसे हो गए, दोबारा हो गए नहीं, तो भाई यहां पर ये इशू करेगा। अभी देखे मैंने ये स्मूथ कॉम्बैट 90 FPS किया है, मेरे अभी ये स्मूथ के ऊपर आ रहे हैं 88। ये मैंने दोबारा से किया HDR कॉम्बैट के अंदर और दोबारा से किया मैंने HDR लॉबी के अंदर, कितने FPS हो गए, 59, 60, ठीक है। ये हो गए हैं आपके जो नॉर्मल HDR के ऊपर सबके जो है ना FPS आते हैं। लेकिन अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमने इनको HDR 90 FPS लेके कैसे जाना है। अभी ये देख लो कॉम्बैट के ऊपर लॉबी के अंदर मेरी जो है ना HDR एक्सट्रीम, ठीक है। अब 59 मेरे मैक्सिमम जो है ना FPS आ रहे हैं। इसको जो लेके जाने का तरीका है ना 90 FPS पे, वो है सिंपल सा, मतलब अभी ये देखें लॉबी के अंदर भी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इसको कैसे लेके जाना 90 FPS पे। सेटिंग में गए, ठीक है, यहां से आपने अकाउंट पे जाना है, अकाउंट पे जाके आपने यहां से कर लेना है इसको लॉगआउट। लॉगआउट करना है आपने, लॉगआउट टू ऑफ ऑल डिवाइसेस, मतलब कि आपने अगर किसी और डिवाइस वगैरह पे लॉगिन किया हुआ है, करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते ना करो, मसले वाली बात नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने उसको टिक रखा हुआ है। ओके किया, आपकी गेम हो जाएगी लॉगआउट। जब आपकी गेम ऐसे लॉगआउट हो जाएगी ना, ठीक है, ये पेज पे आ जाएगी,
आपने जाना है रिपेयर पे, राइट साइड पे जो आपके आ रहे हैं रिपेयर का ऑप्शन, रिपेयर पे आपने जाना है, रूटीन रिपेयर नहीं आपने करना, इसको मैं आपने करना है अनचेक। और नंबर टू पे जो ऑप्शन है ना रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग, आपने इसको टिक करना है। यहां से करेंगे आप इसको ओके, जब आपने इसको ओके कर दिया आपकी गेम जो है ना ये कहेगी क्लाइंट रिपेयर्ड प्लीज रिस्टार्ट द गेम, ओके करेंगे ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगी। जब एक बार ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, गेम को ऑन होने देना है, ठीक है। जैसे ही गेम ऑन होगी तब हम जाएंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ। बहुत सिंपल है, इस सेटिंग को करने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास सिस्टम अच्छा है लेकिन आपके एचडीआर के ऊपर 90 एफपीएस नहीं आ रहे हैं, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे ग्राफिक्स को, तो ग्राफिक्स को इंजॉय करना है अगर तो आपने ये सेटिंग करनी है। अब यहां से मैंने इसको एक्सेप्ट ऑल कर लिया, यहां पर अब हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है, हमने यहां पर ट्विटर नहीं करना, मतलब सॉरी माय बैड, हमने फेसबुक नहीं करना, मतलब आपकी अगर फोन पर बनी है या फेसबुक का ईमेल पर जैसे भी बनी है आपने एक बार यहां पर क्लिक करना है ट्विटर के ऊपर। आप ट्विटर पे क्लिक करोगे वो लोड करके कहेगा लॉगिन फेल्ड प्लीज लॉगिन थ्रू द ट्विटर ऐप, आपको जरूरत नहीं है, आपने करना यहां से ओके। ऊपर फिर ये जो आपको बैक का ऑप्शन आ रहा है ना आपने इस पर करना डबल क्लिक, डबल क्लिक किया ये आ गया वापस पेज जहां से गेम आप ओपन करते हो, ये आपने किया इसको गेम को ओपन, गेम ओपन किया आपने, ठीक है। इसको फालतू को मैं जो है ना यहां से डिलीट ही करता हूं, मुझे जरूरत नहीं इसकी। अच्छा गेम को ओपन किया, अब होने देते हैं हम गेम को अपनी फुल स्क्रीन, ये हो गई हमारी जी गेम फुल स्क्रीन पे। अभी मेरे एपीएस आपने नोट करने हैं, ये लो पकड़ो 90 हो गए, ठीक है। अब ये सेटिंग बहुत ही छोटे से स्टेप्स हैं, कोई बड़ी जो है ना वो खजल खुआरी वाला काम नहीं है, बहुत ही इजी स्टेप है ये। आपने अब यहाँ से जैसे भी आपकी जो है ना होती है लॉगिन आपने उसको वैसे लॉगिन कर लेने, आप मेरे जो है ना ये बनी है, मतलब मैंने अपने हिसाब से जो है ना उसका लॉगिन सेटअप रखा हुआ है। अब ये मैंने जो है ना इसको लॉगिन किया, गेम के अंदर भी मैं जाके आपको टीडीएम में भी जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई जान जी मेरे कितने एफपीएस आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को शक ना रहे माइंड के अंदर के भाई जी बट भाई तो कह रहे थे कि ऐसे होगा नहीं, लेकिन ये तो एफपीएस तो हमारे हुए ही नहीं सही, ठीक है। तो जो मैंने आपको सेटिंग बताई है अगर तो यही सेटिंग रखोगे तब आपको फायदा है, अगर तो नहीं करोगे तो फिर मैं कहूंगा कि अच्छा सिस्टम लेके 60 एफपीएस के ऊपर खेल रहे हो क्या गुंडा बने करे तू। ये इनकी एड्स वगैरह को बंद करते हैं, अभी देख लो मेरे लॉबी में कितने आ रहे हैं 89। एक सेकंड जरा इसके म्यूजिक को बंद कर लें, ए ऑडियो पे के बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ किया, ठीक है ये लो पकड़ो। अब यहां पर आ रहे हैं जी 89 87 86, ये है मेरी सेटिंग, मैं दिखा देता हूं आपको क्या सेटिंग है। एचडीआर एक्सट्रीम लॉबी के अंदर एचडीआर एक्सट्रीम, ठीक है। अब मैं जाता हूं आपको टीडीएम में दिखाता हूं जाके कि टीडीएम में मेरे कितने आ रहे हैं। तो गाइस गेम हमारी जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, अब हम आपको गेम के अंदर जाके जो है ना एपीएस दिखाते हैं। अभी हमारे आपको शो हो रहे हैं 84 आ रहे हैं, ठीक है। गेम के अंदर अब दिखिएगा कितने आते हैं, कितने एपीएस आ रहे हैं 75 72। अभी जैसे ही गेम स्टार्ट होगी फिर देखिएगा। Team match, let's go. 68 67 65 69। ये एक और जो है ना आपने पॉइंट याद रखना है कि जब भी आप इसको डिफॉल्ट करोगे ना, मतलब के सेटिंग करोगे आप एचडीआर के लिए, अभी देखो मेरे 85 पे चले गए 84 85, ठीक है। जैसे जैसे गेम के जैसे जैसे लोड थोड़ा सा मतलब के गेम लॉगिन पे आती है ना तब ये सेट हो जाता है। अभी मेरे एफपीएस आप देख लो कितने आ रहे हैं 88, मतलब 60 नहीं आ रहे हैं, 60 के ऊपर आ रहे हैं, 80 तक जा रहे हैं, 80 से ऊपर जा रहे हैं। जब गेम के अंदर लोड होता है ना, जैसे फाइट चल रही है तो आपको पता है एनिमीज क्लोज होते हैं, आपके एफपीएस थोड़े से ड्रॉप होते हैं, यहाँ पर वो वाला सीन है। किलिंग स्प्री फॉर द रेड टीम, एफपीएस आ रहे हैं, ठीक है। ये आपने सेटिंग करनी है, अगर तो आपने एचडीआर के ऊपर गेम को एंजॉय करना है, अगर तो आपने एचडीआर के ऊपर नहीं करना है, आप स्मूथ पे रखना चाहते हो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर तो आप चाहते हो कि आपके जो है ना वो अच्छे जो है ना एक ग्राफिक के अंदर आप इंजॉय कर सको गेम को, तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि अपनी सेटिंग जो है ना, आप मैंने जो आपको सेटिंग बताई है ये सेटिंग कर लो। अब इसको हम करते हैं यहाँ से बंद, वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि इसके बाद क्या क्या जो सेटिंग है ना वो छिड़ जाती है, ताकि आप लोगों को ज्यादा ढूंढना ना पड़े। आपने क्या करना है, सारी सेटिंग करने के बाद आपने वापस आना है इसकी गेम की सेटिंग में, ठीक है। गेम की सेटिंग में जाओगे, सबसे पहले आपने जाना कंट्रोल्स में, ये आपने यहाँ पर जो है ना अपलोड किया होगा, ठीक है, अपना डाटा जो भी आप अपनी सेटिंग रखते हो ना, चाहे वो सेंसिटिविटी है, चाहे वो लोड आउट है, चाहे वो आपकी बेसिक्स कंट्रोल्स हैं, चाहे वो आपके एडवांस कंट्रोल्स हैं, आपने यहाँ पर अपलोड टू क्लोड कर लेना, ठीक है, मतलब अपलोड टू क्लोड। इसका क्या फायदा होगा, जब भी आपकी गेम अपडेट होगी, जब भी आपकी सेटिंग रीसेट होगी, कुछ भी इशू होगा ना, आपने क्या करना है, क्लाउड मैनेजमेंट में डाउनलोड एंड अप्लाई, आपने डाउनलोड करके अप्लाई कर देना है, आपकी सारी सेटिंग जो आपने पहले की थी ना वो दोबारा से हो जाएगी। उसके बाद बेसिक
में जाएंगे आप, यहाँ पर भी जो है ना वो आपने जो वहां पर कर ली थी ना वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी देखो ऑलरेडी हो गई है। उसके बाद ग्राफिक्स में नहीं छेड़ना आपने, कस्टमाइज में आप जाओगे तो कस्टमाइज में आपके कंट्रोल जो है ना वो छिड़ जाएंगे। एमुलेटर के ऊपर हो तो आपने इसको जो है ना कर लेना लार्ज आइकन पे जो आपका होता है एमुलेटर के लिए, ठीक है। और अगर मोबाइल पे तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना अगर आपने सेव नहीं किया हुआ। सेंसिटिविटी पे जाओगे, मैंने यहाँ पर भी अपलोड टू क्लाउड किया हुआ है, इस वजह से मैं क्लाउड मैनेजमेंट में जाऊंगा, डाउनलोड एंड अप्लाई करूंगा और मेरी दोबारा से सारी सेंसिटिविटी जो है ना वो पहले जैसी हो जाएगी, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार से चेंज करने की। पिकअप पे मैं जाऊंगा, पिकअप के ऊपर भी यहाँ पर जो है ना मतलब आपको सिर्फ दो चार चीजें ही हैं, मतलब आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कस्टम अटैचमेंट, अब यहाँ पर जो है ना लोग अपनी मर्जी से अटैचमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि इन गेम जो है ना आपकी अटैचमेंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपलोड टू क्लाउड किया होगा, आपने लेआउट मैनेजमेंट कर दिया, अभी आपको ये देखा M4 सिर्फ शो कर रही है, यहाँ से आपने किया डाउनलोड एंड अप्लाई, मैंने जो जो गन की सेटिंग की हुई थी वो गन की सेटिंग यहाँ पर आ चुकी है, ठीक हो गया। ले गाइस 88 89 FPS हमारे आ रहे हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी जो है ना वीडियो, मतलब के आपके फायदे के लिए है, अगर छोटी नहीं भी है भाई काम मैक्सिमम 8-9 मिनट की होगी। अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, ठीक है। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करोगे, नेक्स्ट हमारी जो लाइव स्ट्रीम्स है जो हम गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं रेगुलर लाइव आते हैं 3 बजे से लेके 7 बजे तक, उसके बाद रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक हमारी लाइव स्ट्रीम होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मोस्ट वेलकम, बट गेमिंग की अपनी जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव स्ट्रीम पे, एंजॉय करो और मिलते हैं चल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बड़बड़ी दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम, अल्लाह हाफिज़।